बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ और ख़बरनामे के साथ मैं हूं रूहान दानिश। सबसे पहले आज की खास खास खबरें। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा दौर, 18 अज़ला में मैदान सज गया। अपोजिशन जमातों और पीटीआई के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मैदान आज सज गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। सूबे भर में 1600 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। पुलिस के साथ FC के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज करेंगे। इत्तला के मुताबिक कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास आज सुपहर 4 बजे शुरू होगा। 24 नुकाती एजेंडे में चौथे नंबर पर तहरीक अदम एतमाद शामिल है। करारदाद के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान को चाहिए कि वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर नई रिवायत कायम करें। इमरान खान की जान को खतरा है, तहरीके इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा का बड़ा दावा। उन्होंने अपने एक TV इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान के कत्ल की साजिश हो रही है। उन्हें बारहा कहा गया कि जलसों में बुलेट प्रूफ शीशा लगाने दें। गिरती हुकूमत को आखिरी धक्का, खालिद मकबूल का अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देते हुए उन्होंने अपोजिशन के साथ जाने का फैसला किया है। अपोजिशन के रहनुमाओं ने मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगु करते हुए कहा कि इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक और झटका, मजीद 7 अरकान साथ छोड़ गए। सिंध हाउस में अपोजिशन के होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ से आमिर लियाकत, चौधरी फरूख, जवेरिया आसिम और अफजल के अलावा 7 मुनहरिफीन अरकान का इजाफा हुआ। इजलास में वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाम करीम दुबई से जमानत पर पाकिस्तान पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक जाम करीम जमानत पर हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें बहिफाजत उनके घर पहुंचा दिया गया। वो आज असेंबली इजलास में शरीक होंगे और तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। खबरनामे में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पिंडी भट्टिया से, जहां एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जहां बहक हो गए। इतलात के मुताबिक हादसे का सबब कार का टायर फटना मालूम हुआ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे इंटरनेशनल का दूसरा मार्का, पहले मैच की शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी शाहीन पुर उम्मीद हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पैदर पे शिकस्तों के सबब वर्ल्ड कप सुपर लीग में 11वें नंबर पर आ गया है। खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़।